हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आई एम शमशेर राजपूत। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आज हम जो टॉपिक करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम स्कीम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। उस स्कीम का नाम है पीएम SBI, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के जो है इसके रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें पंचायत और कोर्ट असिस्टेंट की, तो पंचायत और कोर्ट असिस्टेंट में एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप JKSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि JKSSB के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे PMSBY, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो इसी के रिलेटेड जो और स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स को जो मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं वो अपलोड की हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। और MCQs भी मैंने अपलोड की हैं, आप उनको भी देख सकते हो। बहुत सारे जो टॉपिक हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये स्कीम जो है किसके रिलेटेड है। एक नंबर पे क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके स्कीम किसके रिलेटेड है। सेकंड नंबर पे जो है ये स्कीम जो है किन लोगों के लिए अवेलेबल है, मतलब कौन से एज ग्रुप के लिए ये अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर टू। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि ये स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च की गई, क्वेश्चन नंबर तीन। आगे क्वेश्चन नंबर चार में आ गया कि अगर आपने जिस स्कीम को इसका स्कीम का बेनिफिट लेना है तो पर ईयर आपको कितना इसका जो कितना पे करना पड़ेगा, पर एनम कितना देना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर फोर। और अगर इन केस अगर आपको इस स्कीम का कोई बेनिफिट होता है तो क्या बेनिफिट होगा। तो टोटल क्वेश्चन पांच इसके बन सकते हैं, पांच से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। पांच से आपको कभी भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि पांच ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे अगर ये कोई स्कीम इस तरीके की स्कीम पूछी जाती है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं मैंने इंपॉर्टेंट ही पिकअप की है। तो पाँच क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। अगर हम बात करें इसकी लॉन्च कब की गई, ये लॉन्च हुई मई 2015 को, ठीक है, मई 2015 को जो लॉन्च की गई। और कौन से एज ग्रुप के लिए ये अवेलेबल है, एज ग्रुप के लिए जो अवेलेबल है उनकी एज ग्रुप कितना होना चाहिए, 80 to 70 ईयर। 80 to 70 ईयर्स के जो लोग हैं उनके लिए ये अवेलेबल है विद बैंक अकाउंट्स। उसके बाद जो प्रीमियम है इसका, पर एनम आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, पर एनम जो इसका प्रीमियम है टोटल 12 रुपीज़ है। और ये 12 रुपीज़ जो आपका बैंक अकाउंट होगा उसी के ऑटोमेटिकली जब एक साल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ये डिडक्ट हो जाएंगे। और इसका जो बेनिफिट होगा वो क्या बेनिफिट है, अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी हो जाती है उसी को, जो पेमेंट दी जाएगी नॉमिनी को, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप वहाँ पे नॉमिनी शो करते हैं, तो नॉमिनी को जो पेमेंट दी जाएगी वो दी जाएगी विल बी गिवन 2 लाख। 2 लाख जो दिया जाएगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। और अगर किसी को पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपये जो है 1 लाख विल बी गिवन, 1 लाख रुपये उसको दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन पांच ही आ सकते हैं इसमें, पांच से ज़्यादा नहीं आ सकते। एक जे क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा था, पांच से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकते। एक जे है गवर्नमेंट बैक्ड एक्स इंश्योरेंस स्कीम है इन इंडिया में। सेकंड नंबर पे जे कौन से ईयर में लॉन्च की गई, मई 2015 को। थर्ड नंबर पर जे कौन से एज ग्रुप के लिए अवेलेबल है 80 to 70 ईयर। फोर्थ नंबर पर जो है इसका प्रीमियम जो है कितना है, 12 रुपीज़ पर एनम। और जो एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो पेमेंट कितनी दी जाएगी नॉमिनी को, 2 लाख। तो अगर इन केस ऑफ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो कितनी पेमेंट मिलेगी उसको, 1 लाख विल बी गिवन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी के रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं मैं इसी चैनल पर अपने अपलोड करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।